नाम है मिक्सर आज हम इसे खेल रहे हैं आपके साथ गाइस वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा एंड गाइस अब से मैं हर रोज़ वीडियो नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि मेरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं इसलिए मैं आपसे जब से हफ्ते में दो दिन ही वीडियो डाल पाऊँगी मंडे एंड फ्राइडे तो चलिए इस वीडियो को हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं गाय स्वागत नहीं करोगे हमारा गाय आप सोच रहे होंगे कि मैं रात में यहाँ क्या कर रही हूँ भाई क्या चाहिए क्या भुखेड़े लोग क्यों मुझे खाना आ जाते हो हमेशा घर पे खाना नहीं मिलता क्या भाई पचास सौ की आबादी में चले आए फिर से नहीं क्या चाहिए क्या तुम लोगों ने भाई वाले बंदे को मान इसलिए मैं अभी जाके खड़ी हूँ ताकि ये हम मेरे चीजें अंदर से चोरी ना कर लेते क्या तकलीफ है इन सर्जन को क्या तकलीफ है तुम लोगों को भाई रात को रात जा के माइंड खेलने वाले को परेशान नहीं करते भाई हाँ उधर फट हाँ फट 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 इधर फट भाई आना आप नीचे ना खाना नहीं मिलता और सुनो रात जाग के माइनक्राफ्ट खेलने वालों को परेशान नहीं करते पर तुम लोग तो देखो हँसोगे ना इसलिए आंखें हरी हरी हो जाती है लाल नहीं तुम लोग की आँखें हरी हो जाती है तो डर नहीं है मैं क्या लगाऊँ कोई नहीं ये आयरन लोग का ब्लॉक लगा देते हैं अभी बहुत फ्लेक्सिंग कर रही हूँ मैं इसे यहाँ पे और ये ब्लू कॉन्क्रीट है गाइज हम लोग ना सबसे सब टाइम से डे कर लीजिए लोग इससे भी ज़्यादा आ जाएंगे सौ दो सौ आ जाएंगे तो फिर रुको भाई तुम लोग को मैं दिखाती हूँ बताती हूँ सुबह सुबह को सोना सोना रहता है ना रात को क्यों आते हो तुम लोग रात को क्या तुम लोगों का रात को पार्टी चलता है क्या जो मुझे खाना आ जाते हो भाई रुको भाई टाइम सेट डे जाओ सोने जाओ 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 सो जाओ जाओ सोने जाओ बाय इन लोगों को तो सोने देते हैं गाइज़ क्योंकि गाइज ये इसी के वजह से मैं रात को जागती हूँ हमेशा तो गाइज़ आज हम बनाने जा रहे हैं है एक गेट वो है लेज़र डोर सो तो लेज़र डोर बनाने के लिए हमें सब कुछ है ना हमारे पास हाँ सब है पर यहाँ पे बस ये जगह खाली पड़ गई है तो यहाँ पे हम लोग अभी के लिए बस आयरन का आयरन लगा देते हैं जस्ट आप इसको इग्नोर कीजिए और देखते इसे कैसे बनाते हैं तो सबसे पहला हमने यहाँ से उठाना है नहीं कुछ नहीं उठाना यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल है मेरे पास तो सबसे पहला हमें यहाँ पे थ्री बाई का एक ब्लॉक करना देखिए गाइस क्या तकलीफ है तुमको नहीं घर को तबेला समझ कर रखा है अंदर घुस गए मेरा घर है निकलो निकलो मैं लेजर डोर बनाने वाली हूँ फिर लेजर लगेगी ना फिर बताना ये को नहीं क्या तकलीफ क्या होती है पत, आप बताओ मुझे कॉमेंट्स में गाइज यहाँ पे थ्री बाई फाइव ब्लॉक्स हमें खोदना है तो थ्री ओ, थ्री फोर वन टू थ्री फोर एक जा ओवर पावर्ड शवल कहते हैं इसे गाइस और ये तो अच्छा क्रीपर ने खड्डा कर दिया था तो फिर मुझे ऐसे और तीन ब्लॉक्स माइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सबसे मुझे नीचे इसको सही से करना भी है इस शवल से तोड़ते हैं और यहाँ पे तोड़ो भाई इतना काफ़ी आई थिंक सो so. एक ग्राफ ले एक ग्रास ब्लॉक ले लेते हैं इस घर की देखिए इस इन्होंने क्या हालत कर दी है और मेरे से भी खाना भी नहीं है मेरे दो बार भी कम होंगे इसमें कुछ है नहीं है इस खजाने को मुझे बचाने के लिए सब करना पड़ रहा है वरना मैं नहीं करती इतनी मेहनत कौन करता है अपने छोटे छोटे मोटे खजाने को बचाने के लिए मेरे पास इतना कुछ है इसलिए मैं कर रही हूँ तो ये कुछ हमें ऐसे तोड़ना है थ्री इसे नीचे करके खोदो 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 आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ यहाँ पे? भी शायद मुझे ऐसे खोदना है ऐसे खोदो 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 अच्छे से खोदना है फिर नीचे का प्लेन करना है पूरा आप ये देख रहे हो ना ऐसी जो ऊबर खाबड़ जगह इसको पूरा प्लेन करना है इतना काफ़ी है अब मुझे ऊपर भी आना पड़ेगा ऊपर नहीं आ पा रही मैरन के ब्लॉक की वजह से तो कोई नहीं यहाँ से ऊपर चलते हैं ऊपर आ गई तोड़ो तोड़ो अब आपको क्या करना है ये जो पूरी जगह इसको पूरे आयरन ब्लॉक से कवर कर देना है और ये ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ से मैं आपको बताती हूँ कैसे ऐसे हम सबसे पहला तो ऐसे तोड़ेंगे इसको एंड देन हमें क्या करना है आई गिर गई नीचे कोई नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री क्या ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर बारिश होने दो कोई नहीं यहाँ पे इसको तोड़ के हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पे ऐसे फाइन हमको ये ऐसे करना है यहाँ से भर देते हैं फिर हमने क्या करना है बीकन क्राफ्ट करना है तो बीकन कैसे बनता है देख लेते हैं ये रहा हमें चाहिए तीन बीकन तो अब हमें तीन बीकर लगाना है गेट के सामने जहाँ पे बनने वाला है अपना गेट एक दो और तीन ऐसे लग गए मैं तीन बीकर ये क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा हाँ अगला गैप चाहिए ना ये लो भाई गैप ये ऐसे गैप बन रहा है बीकर के लिए तो गए जैसे आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते तो आपको ये नहीं बनाना चाहिए एक्टिवेट होगा क्या बिकन अगर आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पसंद Minecraft में तो फिर आप ये बनाना छोड़ दीजिए और नीचे भी खोदो ऐसे अब तो एक्टिवेट हो जाए हाँ हो गया कुछ ऐसा दिखेगा अब ये मुझे ऊपर जान का रास्ता बनाना पड़ेगा हाँ अब हमें क्या करना है यहाँ पे सबसे पहला तो हमें रेड रिपीटर चाहिए रिपीटर कंपेरेटर जो भी कहते हैं उसको क्या है हाँ रिपीटर फिर रिपीटर को हमें कुछ ऐसे ऐसे लगाना है यहाँ पर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तोड़ देते हैं ये शवल से फिर अब जितने भी ब्लॉक से मैं फिर से लगा दूँगी ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे अब चलते हैं यहाँ से ऊपर यहाँ पे रिपीटर लगाना है फिर हम रेड स्टोन डस्ट ये रहा कुछ ऐसे ऐसे फिर हमने ऐसे करना है यहाँ पे एक और रेड स्टोन डस्ट लगाना है फिर लेवर का आ गया हाँ ये रहा लेवर और लेवर यहाँ पे रखना है और अब चाहिए फेंस गेट जो कि यहाँ पे है फिर कुछ ऐसे हाँ ऐसे लगेगा ये फेंस गेट आप समझ गए होंगे ये हमारा जो हैक है ना जो बाप लोगों ने जो किया था ये वही वाला हैक है काइंड ऑफ सो इसम हमने ऐसा करना है ये एकदम से लेज़र जैसा दिख रहा है और अब हमें इसे ढक देना है कैसे कारपेट से कारपेट से ढकोगे तो अच्छा दिखेगा तो इसलिए मैं कारपेट से ढक रही हूँ आप जो भी चीज़ से ढकना चाहते हो ढक सकते हो पर कारपेट से आप अगर ढकोगे तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से हिडन होगा तो इसलिए मैं यहाँ पर कारपेट से ढक रही हूँ आप कुछ आप ब्लॉक से भी ढक सकते हो पर हाँ इन रिपीटर्स इन सारी चीज़ों को तो आपको कारपेट से ढकना पड़ेगा ये आपको याद रखना है ऐसे लगाओ लगाओ अच्छे से लग रहा है एकदम से अच्छा लग रहा है और फिर देखते ये काम कर रहा है कि नहीं आ हाँ कर रहा है कर रहा है ये मैंने ये एकदम से काम कर रहा है और यहाँ पे हम, हम ऐसे लगाएंगे फिर ऐसे 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 मैं ग्रीन कारपेट लगा रही हूँ आप कोई भी कलर कर का कारपेट लगा सकते हैं ऐसा नहीं कि बस सिर्फ ग्रीन ही लगाना है यहाँ पे बीकन के ऊपर यहाँ पे कारपेट्स लगा दो और यहाँ पे भी कारपेट लगा दो वरना सब समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ है तो ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे कारपेट लगाता है ये मैंने इसलिए बहुत सारे कारपेट्स लेके रखे थे ये अच्छा लग रहा है अब यहाँ पे ऐसे अगर और कारपेट्स की ज़रूरत पड़े तो मैं नहीं हूँ यहाँ और सबसे पहला और ईजिएस्ट वे क्या है आपको यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स लगा देना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे कारपेट लगा दो ये सही सही वाला है मैं अब तक क्या करती कब से मैं अपना कारपेट वेस्ट कर रही थी गाइज आप, आपको ऐसा नहीं करना मैं आपको दिखा रही थी कि ऐसी गलती दोबारा नहीं कीजिए तो ऐसे आपको ऐसे कारपेट लगा देना है कारपेट 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 और यहाँ पे भी हम कारपेट लगा देते हैं अब ऐसे लेवर के यहाँ पे नहीं लगाना कारपेट अच्छा नहीं दिख गाइस ये कितना अच्छा लग रहा है आलीशान लग रहा है एकदम से यहाँ से हम घुसने की कोशिश करेंगे घुस सकता है पर ये मैंने लेवर खोल के रखा है ना लेवर बंद हो जाएगा तो हम नहीं घुस सकते क्या हुआ <laughs> सैग को नीचे देख लेते लगता है मैंने कोई गड़बड़ी कर दी इसलिए इसलिए आपको देख के हमेशा हैक्स करने चाहिए हाँ देखा आपको इसलिए हमेशा देख के हैक्स करने चाहिए ऐसे लग गया अब शायद मैं नहीं घुस पाऊँगी एक सेकंड ऐसे कारपेट लगे इसलिए आपको हमेशा देख के हैक्स करने चाहिए मेरे जैसे बिना देखे ऐसे कोई भी हैक नहीं करने चाहिए हमेशा चेक करके अगर आप इतना माहिर स्टोनर हो तो फिर आपसे आराम से हो जाएगा अब शायद मैं नहीं घुस पाऊँ घुस गई लगता ऊपर कर दिया इसको कोई नहीं एकदम दिख रहा है ना लेजर डोर जैसा वही काफ़ी है यहाँ पे मुझे चाहिए ग्लास आप कोई भी कलर का ग्लास लगाओ मुझे कोई कुछ नहीं मुझे थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना चाहिए था इसे तब काम करता शायद है कोई नहीं ऐसे 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 हाँ दिखावे के लिए बहुत अच्छा है ये ऐसे दिखाने के लिए अच्छा देखो मेरा लेजर डोर है हाँ 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 इसका आप कोई भी कलर का ग्लास दे दो चलेगा ऐसे मैंने पर्पल दिया है और अच्छा लग रहा है एकदम से हाँ आप काम करेगा गाइस। ग्लास लगा के काम कर, कर रहा है ग्लास लगा के काम कर रहा है यस तो ये है कि हंड्रेड परसेंट वर्केबल है और आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर एंड ये ये है कि वर्क करता है मुझे लगा नहीं कर रहा ये देखिए, गाइस। मैं अंदर से घुस भी नहीं पा रही और ऐसा भी नहीं लग रहा कि इस लीवर को ये काम है करके जब भी मैं इस लीवर को फ्लिक करूँगी तभी मैं अंदर घुस पाऊंगी बाहर से पर लीवर को फ्लिक करना मुश्किल है अंदर से बाहर के लीवर को फ्लिक करना काफ़ी मुश्किल है तो इसलिए ये देखिए गाइज़ क्या मस्त है क्या मस्त है कि गाइज़ ये इस हैक के लिए आप सब्सक्राइब कर दो लाइक भी कर लगे हाथ लाइक भी कर दो और इस क्राफ्टिंग टेबल के लाइक कर दो इस क्राफ्टिंग टेबल ने ये सिखाया कि क्राफ्टिंग कैसे करते हैं सो ओके गाइज आई थिंक आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही Take care everyone and bye bye.